समाज की जमीन पर खड़े पेड़ कटने को लेकर प्रधान ने जताई नाराजगी। ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र के गांव भरतावाला के चक्रोड़ पर ग्राम समाज के पेड़ काटने को लेकर ग्राम प्रधान ने जताई नाराजगी। आपको बताते चलें कि ठाकुर द्वारा क्षेत्र के गांव भरतावाला में एक बाबू रामपाल सिंह महाविद्यालय के पास से एक ग्राम समाज का रास्ता निकलकर जंगल को जाता है। उस रास्ते पर यूकेलिप्टस के पेड़ खड़े हैं, जिसमें आज बाबू रामपाल सिंह महाविद्यालय की संस्थापक में वह पेड़ ठेकेदार को बेचकर कटवा दिए। इसकी जानकारी जब ग्राम प्रधान को मिली तो ग्राम प्रधान लोगों को लेकर मौके पर पहुंच गया और विद्यालय संस्थापक से बात की तो वह कहने लगी कि है पेड़ मेरे विद्यालय के पास खड़े हैं, इसमें मेरा ही अधिकार है। वहीं प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि यह रास्ता ग्राम समाज का है जो कि जंगल को जाता है। इस रास्ते पर जो भी पेड़ खड़े हैं वह सब पंचायत के हैं और पंचायत का अधिकार है। यह पेड़ हम प्रस्ताव कराकर समाज के काम में लगा सकते हैं। इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। फिलहाल मौके पर पुलिस ने पहुंचकर बाकी पेड़ों को कटवाने से रुकवा दिया है। वहीं ठेकेदार का कहना है कि हमने इसका पैसा विद्यालय संस्थापक को दे दिया है और हमने यह पेड़ 25,000 रुपए में खरीदे हैं। हमें या तो कटा हुआ माल मिले ना हमारे पैसे वापस मिलने चाहिए। फिलहाल अभी इसका कोई निस्तारण नहीं हुआ है। ठाकुर द्वारा मुरादाबाद से संवाददाता अशरफ अली की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? शंकर सिंह। शंकर सिंह, ग्राम भरतावाला। तो क्या समस्या है आपके पेड़ों? ये सर पेड़ कट रहे थे, ये ग्राम पंचायत के पेड़ है, ये समाज जगह है, मतलब हमें पता नहीं था। एक व्यक्ति अपने खेत देखना आया था, उन्होंने हमसे बताया था कि साहब तुम्हारे पेड़ कट रहे हैं ग्राम समाज के। हमने आगे हमने एक तहरीर दी, हमने थाने में जाकर 100 नंबर पर फ़ोन करा था, उन्होंने आकर ये पेड़ उठवाए हैं। कितने पेड़ काटेंगे, किसने काटे हैं? सर ठेकेदार का तो नाम का पता नहीं है, ये मधुबाला सचिवालय ये प्रबंधक हैं, यही मालिक हैं इनके स्कूल के, तो इन्होंने पेड़ कटवाए हैं। हाँ मधुबाला। क्या पेड़ कटे हैं? दो पेड़ कटे हैं, तीसरे पेड़ पे आधा पेड़ कटा पड़ा है। अच्छा। तो ये पेड़ ये है, मतलब पहले ग्राम समाज की भूमि है क्या? हाँ जी। आप कौन हो? गांव से प्रधानपति शंकर सिंह। प्रधानपति हो आप, इसमें क्या चाहते हो आप? ये पेड़ हमारे ग्राम समाज के हैं, ये हमें मिलने चाहिए। हाँ जी सर। क्या बात मिला? पेड़ उपाधि। क्या समाधान हुआ पेड़ पौधे कटे पड़े? अभी तो कोई समाधान नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं? ये ग्राम समाज की पेड़ बननी चाहिए, ग्राम पंचायत में। क्या नाम आपका? चंद्रपाल सिंह नाम है सर मेरा। चंद्रपाल सिंह कहाँ के निवासी हो? ग्राम भरतावाला के। क्या समस्या आप लोग जो खड़े? समस्या ये सर, आज हमने सुबह सूचना मिली कि आप जो सड़क पर पेड़ कटे खड़े हुए हैं, बाबू रामपाल सिंह महाविद्यालय की संचालिका जो है मधु, उन्होंने पेड़ भेज दिए हैं, पेड़ कट रहे हैं। हम लोगों ने आकर तो देखा तो दो पेड़ कट चुके थे, एक पेड़ कट रहा था, यहाँ आकर पेड़ कटवाए और इस पर के मधु वाला जो है वो बदतमीजी पर उतारू हो गई, जिससे हमें 100 नंबर बुलाना पड़ा। 100 नंबर ने आकर के पेड़ों को कटने से रुकवाया और बरामद माल मौके पर ही पड़ा छोड़ दिया गया है, यह कहकर कि यह जो है अब इंस्पेक्टर साहब की देखरेख में ही इसका निस्तारण होगा। अच्छा, क्या किस तरह से बदतमीजी करी मैडम? बिल्कुल तूतड़ाक पे बात कर रही थी, बोले तुम्हारा क्या है, तुम दलाल हो, गांव के दलाल हो, ये हो वो, दुनिया भर की बातें कर रही थी। लेकिन वो महिला होने के नाते हम लोग सब लोग हरिद्वार से जल भर करके लाए हैं, जिससे कि हम उनसे ज्यादा बात नहीं कर सके और हम लोग ने। अच्छा, ये सोना जो है किस संपत्ति में खड़े हुए हैं? ये सर ग्राम समाज की जो सड़क है, चक्रोटे होती है, उस चक्रोट के दायरे के सड़क के दायरे के पेड़ है जो ग्राम पंचायत की संपत्ति है। क्या चाहते हो इसमें? हम चाहते हैं ग्राम पंचायत की संपत्ति है, ग्राम पंचायत को मिलनी चाहिए ताकि ग्राम के विकास में उसका पैसा लग सके। जी पुलिस मौके पर पहुंची, 100 नंबर आश्वासन दिया पुलिस ने कि ये पेड़ जो है इंस्पेक्टर साहब की देखरेख में इसका निस्तारण होगा।